आज हम लोग को जाना भी है, बार बनवाने बहुत बड़े बड़े हो गए देखते हैं पहले। तो आज हवा बहुत तेज चल रहा है इधर का, सुबह सुबह फोन में शामने के लिए। तो कैसे देख सकते हैं ये गंगा जी का नज़ारा हम लोग का, देखिए हवा बहुत तेज चल रहा है। चले गए तो आज चला जाएगा पहले बार बनवाने, कहीं जाना भी है हमको। ले गए तो देख सकते हैं फाइनली, अब हम लोग तो आलू वाल लिए हैं, इसमें टाइम हो रहा है 5:30, तो अब चल रहे हैं घर की तरफ। आज चला जाएगा बाहर बनवाने कुछ देर बाद, अभी इतना सुबह तो दुकान खुला नहीं होगा। और मौसम भी आज देख सकते हैं कुछ ठंडा ठंडा है, हवा भी चल रहा है बहुत तेज, इधर बहुत फ्रेश मौसम हो गया है। तो देख सकते हैं ये फाइनली हम लोग का रोड है गौसपुर गाँव का। गाइस तो देख सकते हैं फाइनली हम लोग रोड से अब चल रहे हैं घर की तरफ, और मस्त आज हेयर कटिंग कटवाएंगे, दाढ़ी भी सेट कराएंगे। सोच रहे हैं इस बार विराट कटिंग दाढ़ी अपना सेट करा ले, देखते हैं चलकर वहाँ पर सैलून में लल्लू भैया के यहाँ। चलिए हम वहीं पर सुल्तानपुर बाहर चलेंगे बनवाने। तो फाइनली अभी तो घर चल रहे हैं टहल पर, सुबह सुबह डेली हम आते हैं टहलने, तो सोचे हैं कि आज आप लोग को भी बता दें व्लॉगिंग के साथ। हेलो दोस्तों, तो देख सकते हैं पहले हम लोग रोड पर आ गए हैं, तो चलिए आइए नाश्ता करते हैं फिर जलेबी का, फिर चलेंगे बाहर बनवाने। सुबह सुबह ही बिना खाए थे तो नाश्ता कर लेंगे जलेबी समान, फिर चलते हैं बाहर बनवाने। दोस्तों तो देख सकते हैं जलेबी हम लोग का आ गया है, चलिए फिर नाश्ता करते हैं फिर चला जाएगा बाहर बनवाने। चलिए दोस्तों तो देख सकते हैं फाइनली हम लोग साइकिल से निकल चुके हैं बाहर बनवाने के लिए, तो फिर चलते हैं लल्लू के यहाँ सुल्तानपुर, फिर आप लोग को दिखाते हैं आज कौन सा कटिंग कटाएंगे मस्त एकदम। आज विराट कोहली दाढ़ी कटिंग तो ये तो फिक्स है, अब बाहर देखते हैं कौन सा कटिंग कटेगा। ये दोस्तों तो देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं हेयर कटिंग करा, यहाँ पर देख सकते हैं लल्लू भैया। आइए फिर चलते हैं हम लोग अंदर मस्त। तो देख सकते हैं फाइनली हम कुर्सी पर बैठ चुके हैं, तो लल्लू भैया देखिए बार में अपना नया स्टार्ट करती है। आज हम अपना नया हेयर कटिंग कटाएंगे, जो बहुत दिन से बार नहीं बनवा रहे थे, सोच रहे थे बढ़ाने के लिए। फाइनली यह सोचें कि मस्त हेयर कटिंग कटा ले, तभी भी ऊपर का बहुत थोड़ा थोड़ा कटवाएंगे, फिर दाढ़ी सेट कराएंगे। देख सकते हैं काफ़ी समय लगा रहे हैं हमारे बार बनाने में, कम से कम 50 मिनट लग जाता है मेरा बार बनाने में। वीडियो को फिर एडिट करते हैं तो 11-12 मिनट का कर देते हैं, नहीं तो बार तो बहुत काफ़ी समय लगता है बनवाने में। बाई नंबर भी लगाना पड़ता है, 1-2 नंबर के बाद ही बार बनता है, यही एक तिमा बहुत अच्छा नहीं लगता है हमको। और हमारे बार और दाढ़ी का बार बनवाई 30 रुपया लगता है, और दाढ़ी का बार बनवाई 40 रुपया, और दाढ़ी का 30 रुपया, तो दोनों को मिला के 70 रुपया। आप लोग सोचते होंगे कि अधिक पैसा लगता होगा, तो ऐसा बात नहीं है, 70 रुपये ही लगता है, जितना सबका लगता है। बस हम अपना वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि हम एक यूट्यूबर बने बड़े होकर। तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा बार बनता है हमारा, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और आप लोग भी आइए हेयर कटिंग कटाइए, सुल्तानपुर गौरपुर के पास में ही है, तो सुल्तानपुर राजा बाबू नाम से प्रसिद्ध है ये सैलून, जो देख सकते हैं चश्मा लगा कर बना रहे हैं, बहुत मस्त स्टाइल में कटिंग करते हैं। हम पहली बार आए थे तो अच्छा लगा, तो अब जब से बार बनवाना रहता है तो यहीं पर आते हैं, और छोटा मोटा दाढ़ी वाढ़ी सेट कराना रहता है तो अपने गांव में ही सेट करा लेते हैं। चलिए दोस्तों तो देख सकते हैं बार मेरा बन चुका है, अब ऊपर का हल्का हल्का कटवा लेते हैं, उसके बाद फिर दाढ़ी सेट कराएंगे। चलिए दोस्तों तो देखिए अब ऊपर का हल्का हल्का कट रहा है, उसके बाद फिर हम अपना दाढ़ी सेट कराएंगे। ऊपर का ज़्यादा नहीं कटवाते हैं, क्योंकि हम बार अपना थोड़ा बड़ा बड़ा रखेंगे, अच्छा लगता है छोटा छोटा बार बहुत रख लिए।
तो ये देखिए बहुत से लोग आ रहे हैं नंबर। इसमें ईद का भी त्यौहार चल रहा है, तो आप लोग को सभी लोग से एडवांस में ईद मुबारक हो। कल ईद है, तो कल आप लोग को वीडियो मिल जाएगा ईद के शुभ अवसर पर। फिर हमको शादी में यह जाना है, तो आप लोग शादी का ब्लॉग अगले वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग ब्लॉग हो जाएगा। देखिए अब दाढ़ी फाइनली सेट कराने लग रहे हैं हम। कभी कभी तो अपना दाढ़ी पूरा साफ करा देते हैं, कभी कभी सेट करा लेते हैं, मन के ऊपर है, जो मन करता है करते हैं। ये देखिए, लेकिन कुछ भी कहो, बाल और दाढ़ी बहुत मस्त इस बार बनवाए हैं। देखते हैं क्या होता है। देखिए अब पाउडर लग रहा है, उसके बाद बाल झाड़ा जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा आप लोग को हेयर कटिंग हमारा कैसा लगा। देखिए पीछे भाई साहब आ गए हैं बाल बनवाने के लिए, जो अपना दिखा रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा उनका बाल हो गया है, गुस्सा भी कर रहे हैं, नंबर लगाना पड़ता है। चलिए तो फाइनली हम अपना आप दाढ़ी सेट कराने लगे। काफ़ी लोग बैठ कर इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी समय हो गया हमारा, 40 मिनट अब तक हो गया है। अभी वॉश भी कराना है तो 10 मिनट और लगेगा। आप लोग का बाल और दाढ़ी बनाने में कितना समय लगता है कमेंट जरूर कर जरूर बताइए। भाई एक बार वीडियो को हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। उसके बाद आप लोग अगर हमसे मिलना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, आप लोग से ज़रूर हम मिलेंगे। और राजा बाबू हेयर कटिंग सुल्तानपुर बार आप लोग ज़रूर बनवाने जाइए वहाँ पर। देखिए पीछे भाई साहब आ गए हैं जो बाहर झाल रहे हैं, अपना चेहरा देख रहे हैं, लगता है कभी का देखे नहीं है चेहरा। बहुत काफ़ी समय हो गया दोस्तों, 50 मिनट हो गया बार बनवाते बनवाते। देखिए सुबह का एक रोल जलेबी का नाश्ता कर गए हैं बार बनवाने, अभी तक खाना नहीं खाए हैं, तो घर चल कर खाना खाएंगे। साथ में दोस्त भी है तो बाहर इंतज़ार कर रहा है। अब इधर देखिए पीछे एक फ्री फायर बंदा खेलना स्टार्ट कर दिया है, उसका चेहरा देखिए। ये फ्री फायर वाले लोग तो हर जगह स्टार्ट हो जा रहे हैं जहाँ मनता है। फाइनली तो हमारा दाढ़ी भी अब सेट होने वाला है, दाढ़ी सेट हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा वाश होगा। ज़्यादा हम क्रीम व्रीम अपने चेहरे पर नहीं लगवाते हैं, केवल वाश कराते हैं। चलिए दोस्तों तो देख सकते हैं होली के बाद ये एक महीने दस दिन बाद हम अपना बाल दाढ़ी बनवा रहे हैं, इतना काफ़ी दिन बाद। मन तो नहीं कर रहा था बनवाने के लिए, लेकिन क्या करें, शादी में जाना है तो फिर सोचें कि चलो बनवा लें, क्योंकि चेहरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। चलिए दोस्तों तो देखिए हमारा थोड़ा सा वॉश हो रहा है, थोड़ा सा चेहरा क्लीन करने के लिए वॉश करा लेते हैं, उसके बाद काफ़ी और कुछ नहीं। बड़े बस कीजिए, रहने दीजिए। चलिए दोस्तों तो देखिए पानी वानी मार लिए। ये तो आप लोग कमेंट में बताइएगा हमारा बाल और दाढ़ी कैसे बनाए। साइकिल से हम लोग अपना निकल लिए हैं बार बनवा कर, अभी तो फिलहाल हम लोग के पास बाइक नहीं है तो साइकिल से ही आते हैं बार बनवाने। चलिए तो अब फाइनली घर चल कर खाना वाना खाएँगे। दोस्तों तो देखिए बाल बनवा कर रख रहे, नहा धो लिए हैं, चल रहे हैं फाइनली खाना खाने। आप देख सकते हैं तो खाने में आ गया छोला और पराठा और चावल। चलिए दोस्तों तो फिर हम खाना वाना पीने खाते हैं, फिर दोस्तों का इंतज़ार करेंगे और वीडियो भी बनाना है हम लोग का, शॉर्ट वीडियो। देखते हैं दोस्त को अभी कॉल करेंगे, आएंगे सभी लोग। दोस्तों रौनक आ गया है, देखिए देखिए डंडा निकाल रहा है हमको मारने के लिए, वीडियो बना रहे हैं तो।
चलिए दोस्तों, तो खाना पीना हो गया है, देख सकते हैं फ्रेंड भी आ गए हैं, तो और कुछ वीडियो वीडियो बनेगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज हमको शादी में भी जाना है, तो आप लोग को अगले ब्लॉग में दिख जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉगिंग बहुत लंबा हो गया है। फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और देख सकते हैं बार और दाढ़ी हम अपना सेट करा लिए हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है। 40 रुपया बार बनवाई और 30 रुपया दाढ़ी सेट कराई, ज़्यादा पैसा हमारा नहीं लगता है, लोग को देखने में लगता होगा। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए देख सकते हैं रौनक भी आ गया है, देख सकते हैं इधर देखिए दांत चिर रहा है, इसके दांत भी देखिए टूटा है, देखिए। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।